आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खास खबरों की ओर। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने पहली बार टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे भारत को गर्व है। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान टीम से कहा कि आपको अभी और खेलना है और देश को खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। माता पिता का भी एम्बिशन बन रहा है, हाँ बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो एक नया कल्चर, नया वातावरण हमारे यहाँ बना है और ये भारत के खेल के इतिहास में मैं समझता हूँ कि स्वर्णिम अध्याय की तरह है। और जिसके रचयिता आप सब हैं, आपकी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं जो आज हिंदुस्तान कोई नई नई जगह पर विजय ध्वज लेकर के आगे बढ़ने के लिए कारण बने हुए हैं। इस मोमेंटम को हमें जारी रखना है, बस इसमें जरा भी डलने नहीं आने देनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, हर संभव आपके साथ मदद करेगी, प्रोत्साहन की जहां जरूरत होगी करेगी, बाकी व्यवस्था की जो जो आवश्यकता होगी वो भी पूरा करेगी। और मैं सिर्फ, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं लेकिन मैं देश भर के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर 2000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2226 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,31,36,371 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 14,955 रह गई है। वहीं कोविड के 65 लोगों की मौत हुई है। सुहागनगर के जोगिया कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी बुलेरो खराब खड़े ट्रेलर के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 9 बारातियों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और 1 का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुत्ता पालकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम ने कुत्ता पालने वालों लोगों के लिए साफ सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी है। सीएम योगी ने कहा, पालतू जानवर को बाहर ले जाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखें, रोड पर गंदगी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण का यह कार्य है कि लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं, अगर उसके बावजूद भी लोग पालतू कुत्ते को लेकर सड़क पर गंदगी कर रहे हैं तो इसको तत्काल रोका जाए और जागरूक किया जाए। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं। हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, ये भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान जनता ने एक अच्छी खबर मिली है। मोदी सरकार ने उत्पादन शुल्क में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की जाएगी और डीजल पर 7 रुपए उत्पाद शुल्क घटाया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.05 रुपए सस्ता हो गया, वहीं डीजल भी 7 रुपए सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वह भी वैट में कटौती करे और जनता को राहत दे। उन्होंने खासतौर पर उन राज्यों को दाम घटाने के लिए कहा है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट में कटौती नहीं की थी।
लखीमपुर खीरी में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीएचसी में बने आवास में स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव कराते समय महिला की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए, वहीं परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिस तरह से लगातार एक तरफ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम तरह के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामने आ रही है, ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। लगातार प्रसव के वक्त महिलाओं के मृत्यु की खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही किसकी है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं चूक रहा है, कहीं ना कहीं लोगों जो उसकी जिम्मेदारी है लोगों के प्रति वो जिम्मेदारी निभाने में स्वास्थ्य महकमा चूक रहा है। ऐसे में प्रसव के दौरान महिला का मौत होना यही दर्शाता है कि तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जाए लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। संवाददाता धीरज तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, ये क्या कुछ पूरा मामला है जो प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु हो गई है? जी देखिए, बिल्कुल पूरा मामला जो है लखीमपुर खीरी के रमिया बहन सीएससी का है, जहां पर प्रसव के दौरान जो है महिला की मौत हुई है, जहाँ पर जो प्रसूता जो वहाँ पर थी जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी उनकी लापरवाही सामने आई है। स्टाफ जो वहाँ पर था लेडीज, वो महिला स्टाफ तो था, वो उसने भर्ती प्रसव कर उसके बाद में जो है महिला की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है की जो पूरी लापरवाही सामने आ रही है। किस तरह से जांच किया जा रहा है उस अस्पताल का और किस तरह की कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो इलाज के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं? जी देखिए, बिल्कुल वहाँ पे जो सीएससी प्रभारी हैं उनसे भी बात नहीं, वो मीडिया कर्मियों का फोन नहीं उठा रहे ना, वो वहाँ से घटना के बाद से फरार हैं, और अन्य जो स्टाफ है वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर या जो कर्मचारी या वहाँ पे लेडीज जो स्टाफ है वो भी सारा स्टाफ जो वहाँ से फरार है, कोई भी मिल नहीं रहा है। वहाँ पे जो पीड़ित परिवार है वो भी शाम से वहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं भी जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल धीरज, इस खबर पर आप जानकार नजर बनाए रखिए, क्योंकि जो इसके जिम्मेदार है उनकी जवाबदेही तो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर कन्नौज से है, जहां खेत में पानी लगाने गए किसान की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक किसान छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भैंसो नगला का रहने वाला था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। भतीजा पानी लगा रहा था, बता नहीं सकते क्या हुआ। सुबह जब देखा घर पर नहीं आया तो फोन लगाया, फोन उठा नहीं, ढूंढते खेत में देखा कि वहाँ खून ऊन मिला। फिर उसके बाद जो है छानबीन किया, देखा निगारी किया। मृतक आपका कौन था? भतीजा। क्या नाम था इसका, क्या उम्र रही होगी? संजय। क्या काम करते थे ये? छिबरा में दुकान पर अपनी दुकान खोले थे। किसी से कोई प्राय रंजिश थी आप लोगों की? नहीं, कोई नहीं। डेड बॉडी कहाँ पर मिली? महुआ नगरा रोड पर। और घटना को अंजाम कहाँ दिया? घटना का अंजाम बहुत से नगरा खेत में ही। इस मामले पर छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है, आरोपी कौन है उसका पता लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह इस मामले की जांच में जुट गई है। किसान अपने खेत में पानी लगाने गया था, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा, पहले उसके परिजनों ने उसे फोन किया और जब उसने फोन का रिस्पॉन्ड नहीं किया तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया, और जब परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया खेत के पास ही उसका कटा हुआ शव बरामद हुआ, जिसके बाद से परिजनों और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गई है। फिलहाल जो पुलिस है इस मामले की जांच में जुट गई है, आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। संवाददाता राम ऋषि पांडे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके राम ऋषि, किस तरह से पुलिस उस मामले की छानबीन कर रही है, क्या आरोपी का पता अभी तक पुलिस लगा पाई है? देखिए, ये छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भौसे नगला का मामला है। 20 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। खेत पर युवक पानी लगाने के लिए गया था, सुबह जब देखा लोगों ने तो सब पड़ा था। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि हत्यारों का अभी पता नहीं लग पाया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद राम ऋषि। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति का पालन करते हुए औरैया जिला प्रशासन जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में लगा हुआ है। जो औरैया के चड्डा टाकीज के सामने की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को खाली कराया गया है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही। मुरादाबाद मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अड्डे दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर खास चौराहे से लेकर ब्लॉक मुंडा पांडे तक अवैध रूप से सरकारी जमीन पर दुकानें खुल रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जबकि क्षेत्रवासियों का कहना है किसी चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर मुंडा पांडे ब्लॉक भी है और ब्लॉक आने जाने वाले ग्राम प्रधानों और ऑफिस के लोगों को जाम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुंडा पांडे स्वास्थ्य केंद्र की को भी इस जाम का सामना करना पड़ता है। मैं सरकारी भाषा है और मैं सरकड़ा खास रहता हूँ। लगातार यहाँ जो हमारा आना जाना रहता है दलपतपुर पे, तो अतिक्रमण और ये ई रिक्शा जो है उन्होंने इतना रश कर रखा है कि यहाँ से एम्बुलेंस निकलने में परेशानी होती है। और वाहन की तो अलग बात रही, जो एम्बुलेंस के लिए हमेशा एकदम रास्ता दे दिया जाए, उससे भी आसानी से रास्ता नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। और मेरा ये आह्वान है, मेरी गुजारिश है कि ये इस जाम से निजात दिलाई जाए और दलपतपुर काशी मार्ग पर जैसे गड्ढे हैं, जिस हालात से रोड टूटा हुआ है, तो सरकार से हम विनती करते हैं कि इस रोड को सही कराने का कार्य करें, जिससे हम लोगों का जो जीवन जनजीवन है वो सही तरीके से चल सके। यहाँ पे ये समस्या है कि आए दिन जो यहाँ पे जाम लगा रहता है और ये जो अवैध खोखे इन्होंने खड़े कर रखे हैं और कई कई घंटे जाम में लोग बड़े परेशान होते हैं। ज़्यादातर मुंडे की जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे खड़ी रहती है और अभी पीछे एक हादसा हो गया था, एम्बुलेंस फंस गई थी और वो मरीज से इंतकाल हो गया था। ये अवैध खोखे जो हैं इन्होंने इतनी जगह बढ़ा रखी है, फिर अपने आगे भी इन्होंने कुछ ना कुछ डाल रखा, जिससे कि आने जाने वालों का रास्ता कभी तंग है। मुरादाबाद के दलपतपुर में अवैध खोखों की क्षेत्रवासियों ने की शिकायत। मुरादाबाद जिला अधिकारी शिकायत पत्र में लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खोखे लगे हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है और जाम में एक एक घंटा तक एम्बुलेंस फंस जाती है। लोगों ने मांग की है कि वहाँ से जल्द अवैध खोखों को हटाया जाए। प्राइम टीवी की मुरादाबाद से शाहरुख हुसैन। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के गौरा बाजार में आई आंधी तूफान से पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही पेड़ गिरने से गुमटी में रखा पूरा सामान भी नष्ट हो गया। वहीं घटना की सूचना के बाद ग्राम प्रधान पंकज चौबे मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। भरपाई ये देख लीजिए, जैसा दिक्कत यह है कि रात में आधी बहुत तेज़ी थी, बहुत तेज़ में आधी आई है और पेड़ जो है पाकड़ का पेड़ है और गिर गया है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता भी नहीं है, तो इसको जो है कैसे भी करके इसको हटाया जाएगा, बेचा जाएगा, जो भी उचित पैसा मिलेगा तकनीक का भरपाई किया जाएगा। नेकपाल साहब से बात हुआ है, वो तो 10-11 बजे तक हम आ जाएंगे, उसके बाद निरीक्षण करके जो अधिकारी महोदय कहेंगे उसी पर जो है किया जाएगा। मतलब इनका नुकसान जो है इस पेड़ के भरपाई से कर दिया जाएगा? जी, अरे बहुत नुकसान हो गया है, कम से कम 10-15 हज़ार का सामान रहा होगा, अभी 10-15 हज़ार की टंकी भजवाई तो 20-25 हज़ार का नुकसान तो उसका हो ही गया। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।